पिज़्ज़ा खाना सबको पसंद होता है और जो पिज़्ज़ा का असली टेस्ट होता है वो उसके सॉस से आता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बना के तैयार करेंगे पिज़्ज़ा सॉस, वो भी घर पे। घर में कुछ सब्जियां होती हैं, उन्हीं सब्जियों से आज हम इसे तैयार करेंगे। वेलकम टू गुरप्रीत कौर किचन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो यहाँ सबसे पहले सॉस बनाने के लिए हमें यहाँ पर टमाटर लेने होंगे। तो यहाँ मैंने 2 से 3 टमाटर लिए हैं, तो उसको इस तरीके से हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। टमाटर की जो आँख होती है वो निकाल दें और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। सॉस के लिए टमाटर बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 2 से 3 या 3 से 4 आप यहाँ पे टमाटर ले सकते हैं, क्योंकि इसी से हमारी जो ग्रेवी बनेगी सॉस की बहुत अच्छी और थिक बन के तैयार होगी। तो सारे टमाटर काट लिए हैं, इसके साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 यहाँ पर लहसुन की कलियाँ, वो भी मैंने इसके अंदर काट के डाल दी हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और है, अदरक है जैसे, तो अदरक को आप ग्रेट करके भी डाल सकते हो, कद्दूकस करके आप अदरक भी ले सकते हो। तो सारी हमने लहसुन, टमाटर और अदरक काट लिया है और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में, अच्छे से इसको पेस्ट बना लिया है बिना पानी के। पानी नहीं डालना है इसे, ऐसे ही हमें इसको मिक्सी में ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर पैन रखा है और इसमें ऑयल डाला है और साथ में हमने चॉप किया हुआ गार्लिक डाल दिया है, साथ में ही हमने डाल दिया है अदरक बारीक कटा हुआ, या आप कद्दूकस करके डाल दें। यहाँ पे हमने सॉस में भी, जो हमने टमाटर सॉस बनाई है उसमें भी हमने डाला है अदरक लहसुन, लेकिन जो ये भूनने का प्रोसीजर है, ये जो लहसुन अदरक हम काट के डालते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जो ऑयल में हम भूनते हैं। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा थोड़ा सा लहसुन अदरक भून गया है, साथ में डाल देंगे हम यहाँ पे 1 प्याज बहुत बारीक कटा हुआ, फाइन चॉप करके हमने यहाँ पे प्याज को ले लेना है और इसके अंदर हमें इसे भी भून लेना है। अच्छा सा इसे भून लें, पिंक हो जाए, तो जैसे ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, तो आप उस तरीके से इसे यहाँ पे तैयार कर लें। और प्याज देखिए यहाँ पे हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है, लहसुन अदरक हमारे पहले ही भून गए हैं, प्याज भी भून रहा है, तो थोड़ी सी देर यहाँ लगती है, प्याज में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो इसे अच्छे से भून लें। ये जो सॉस आप बनाएंगे इसे आप पास्ता में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ प्याज हो गए हैं गुलाबी, इसके अंदर डाल देना है हमने जो टमाटर का पेस्ट हमने बना के रखा है मिक्सी वाला, वो डाल देना है और यहाँ हमारी अच्छी सी ग्रेवी बनके तैयार हो जाएगी। पास्ता जो होती है सॉस की, अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसका अच्छा सा और टेस्ट बनाने के लिए, इसको जो रियल जो हमारा टेस्ट होता है वो आएगा मसालों से। तो यहाँ मसाले डालेंगे, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच यहाँ पर चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी यहाँ पर काली मिर्च 1/2 चम्मच के करीब, 2 चम्मच यहाँ पे चीनी लेंगे और इसका बहुत अच्छा कलर जो आता है वो आता है लाल मिर्च से, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, और 1 चम्मच यहाँ पे ओरेगैनो वो भी डाल दें, 2 से 3 चम्मच या 3 से 4 चम्मच टोमेटो केचप के। इसे अच्छे से सभी चीज़ों में मिक्स कर लें, पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर लें। ये जो कलर आएगा इसका कश्मीरी लाल मिर्च, उससे बहुत अच्छा इसका कलर, जो पिज़्ज़ा सॉस का कलर होता है, तो वो बहुत अच्छा इसमें कलर उभर के आएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप ओरेगैनो डाल रहे हो, ओरेगैनो आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप मिक्स हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हो, वो भी डाल सकते हो। तो सभी चीज़ों को, मसालों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। पिज़्ज़ा जो बनता है उसके ऊपर पहले सॉस लगाई जाती है जो उसका बेस तैयार होता है, तो असली टेस्ट जो होता है पिज़्ज़ा सॉस का होता है। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे भून के हमारी जो पिज़्ज़ा सॉस है तैयार हो रही है, थोड़ी सी यहाँ पे ये थिक हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कलर भी कितना अच्छा आ चुका है जो हमने देगी मिर्च इसमें डाली है। तो घर में रखे सामान से ही हमने तैयार किया है और इसको अगर आपने स्टोर करना है तो यहाँ 1/2 चम्मच इसमें वाइट विनेगर का डाल दें, ताकि आप इसे जितना यूज़ करें, बाकी इसे कांच वाले कंटेनर में भर के आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ बन चुकी है बहुत अच्छी सी हमारी पिज़्ज़ा सॉस, अच्छे से थिकनेस भी आ चुकी है। यहाँ मैं गैस बंद कर दूँगी और यहाँ हमारी पिज़्ज़ा सॉस बढ़िया सी, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर में तैयार हो चुकी है।
आप इसे पिज़्ज़ा पे लगाइए, पास्ता में डालिए या ब्रेड स्लाइस में भी लगा के इसे खाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। तो पिज़्ज़ा सॉस बनके तैयार है, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कर लें, शेयर कर लें फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।